हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फ़ोटो को सिनेमाग्राफिक लुक किस तरह से दे सकते हैं या अपने स्टिल फ़ोटो को मोशन फ़ोटो किस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने इस इमेज को ले लिया और मैंने इसकी छोटी सी एक कटिंग की है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो हमारा न्यूज़पेपर है उसकी हमने यहाँ पर कटिंग की है, उसमें थोड़े से जो हमारे करेक्टर के यहाँ पर हैंड है वो भी मैंने यूज किए हैं। तो वो इसलिए ताकि जब हमारी फायर इसमें दिखाई दे तो यहाँ पर हैंड के ऊपर ना हो, वो थोड़े से वहाँ से पीछे से ही दिखाई दे। तो इसको वापस रखते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर फायर है ऑलरेडी, हमें उसको यहाँ से इरेज करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके भी कई तरीके, आप किसी भी तरह से इसको यहाँ से इरेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसी लेयर को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए हम हाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेसो टूल लेंगे, उससे थोड़ा सा हम देखते हैं कुछ बात बनती है। तो इस एरिया को हमने सेलेक्ट कर लिया है, थोड़ा सा ब्लैक एरिया ज़्यादा इसलिए लिया है क्योंकि ताकि ये फिल यहाँ पर हो जाए। इसके बाद आप शिफ्ट F5 प्रेस कर सकते हैं, आप एडिट में जाए फिल और यहाँ पर जो हमारा कॉन्टेंट्स है उसको यहाँ पर कंटेंट अवेयर सेलेक्ट रखें। अगर वो कलर या कुछ और सेलेक्ट है तो कंटेंट अवेयर और ओके प्रेस कर दें। यहाँ पर नहीं बनी है बात, तो हम ऐसा करते हैं जो हमारा क्लोन टूल है उसको यूज करते हैं और यहाँ से हम ब्लैक कलर उठा लेते हैं। अल्ट प्रेस किया और लेफ्ट क्लिक और इसके बाद इस तरह से तो इस तरह से हमारी यहाँ पर फायर हो चुकी है इरेज। ओके, तो उसके बाद हम अपनी यहाँ पर लेकर आते हैं जो हमारी फायर है उसको। तो ये हमारी वो फाइल है फायर। तो जितने भी इफेक्ट मैं इसमें यूज करने वाला हूँ ये उसका लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको हम लेकर चलते हैं अपने फोटोशॉप में। ये फायर हमारी है वो। तो अपनी फायर को लाने से पहले हमें एक और काम करना था यहाँ पर। इसको इरेज करने के बाद हमें जो करना था वो है अपने विंडो में जाना है यहाँ से और यहाँ से अपनी टाइमलाइन को ऑन कर लेना है और उसके बाद जो यहाँ पर क्रिएट वीडियो टाइमलाइन है उस पर क्लिक कर देना है। तो जो हमारी ये लेयर है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो हमारी यहाँ से यहाँ तक जो ये लेयर है ये है और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये यहाँ पर हमारा वीडियो का ड्यूरेशन है कि हमारी वीडियो कितनी लंबी होगी। तो अभी तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम अपने इफेक्ट को किस तरह से शो करेंगे। देखिए, जैसे मैं स्पेस बार प्रेस करता हूँ तो ये इंडिकेटर यहाँ से चल रहा है, तो हमारी वीडियो का ड्यूरेशन लगभग शायद 5 सेकेंड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हम अपनी फायर को एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद मैं कंट्रोल टी प्रेस करूँगा इसको सिलेक्ट रखने के बाद और इसको मैं रोटेट करना चाहूँगा यहाँ से फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो कहाँ से मुझे ये फायर चाहिए वो देख लेता हूँ एक बार मैं। एंटर प्रेस कर लेते हैं। यहाँ से रख लेते हैं और यहाँ से इसको कर देते हैं हम इस एरिया को डिलीट और यहाँ से इसको भी कर देते हैं डिलीट। इसको ऑन कर लेते हैं, इसीलिए हमने इसकी कटिंग की थी ताकि हमारी फायर उसके पीछे दिखाई दे।
थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं इसको। जो हमारा ये अनवांटेड एरिया है, अभी आपको उनकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, उनको भी हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। पहले हम इसको यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं। चेंज करना होगा थोड़ा सा ये, यहाँ से अच्छे से नहीं। अब थोड़ा बेटर है, थोड़ा सा और साइड से में लेना होगा। तो अब ठीक है, अब हम इसको इरेज करते हैं। तो हम इसको किस तरह से इरेज करेंगे, अपनी इस फायर लेयर को सेलेक्ट रखेंगे और इस पर हम यूज करेंगे लेयर मास्क। ये हमारा लेयर मास्क आ गया जो कि व्हाइट कलर में है। तो इसको हम कैसे इरेज करेंगे, लेयर मास्क लेने के बाद हम ब्रश सेलेक्ट करेंगे, बी प्रेस करते हैं। और याद रखें चूँकि हमारा लेयर मास्क वाइट है तो हम फोरग्राउंड में ब्लैक कलर रखेंगे और इस एरिए को हम इस तरह से इरेज कर देंगे। अपनी वीडियो को दो बार प्ले करके देखेंगे, कहीं इस तरह से तो नहीं आ रहा जैसे यहाँ पर है। तो अब बेहतर है, शायद अभी भी कहीं पर है। तो ठीक है, हमारी यहाँ पर फायर आ गई है, लेकिन थोड़ा सा और काम करते हैं हम अपनी फायर में। हमारी फायर थोड़ी सी हार्ड है, अगर यहाँ पर आप देखें, अगर मैं इसका मोड चेंज कर दूँ यहाँ पर लाइट चुन, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसका इफेक्ट चेंज होगा, थोड़ी जैसे ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, जैसे कैरेक्टर का लोगो भी अब यहाँ पर दिख रहा है। अगर मैं इसको नॉर्मल करूँ तो देखिए वो वहाँ पर उतना शो नहीं हो रहा है। तो इसको हम मोड़ कर देते हैं लाइट में, थोड़ी सी रियलिस्टिक सी यहाँ पर दिखाई देगी है, जैसे यहाँ से। ओके ऑल राइट। उसके बाद हम यहाँ पर जो छोटे छोटे स्पार्कल से यहाँ से उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, उनको हम यहाँ पर लेकर आते हैं। तो ये जो हमारा चार्जेस फाइल है इसको लेकर चलते हैं चार्ज। तो ये वो हमारी फाइल है, थोड़ा सा एक्सप्लोजन है इसके अंदर भी। ये तो यहाँ तक मैं इसको कर देता हूँ इरेज और इसको रखते हैं यहाँ पर। अब बेहतर है, ये जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर थोड़ा सा रुक रुक कर चलते हो, जब आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी वो इस तरह से नहीं दिखाई देगा। अगर आपका फोटो का साइज़ बड़ा है तो आप पहले ही आप इमेज में जाइए और इमेज साइज़ यहाँ से आप अपने फ़ोटो का साइज़ थोड़ा छोटा कर लीजिए। फुल HD में इसका साइज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो फिलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अगर मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर दूं तो आप देख सकते हैं, अब ये प्रीव्यू थोड़ा बेहतर दिखाएगा। ओके, अब हम थोड़ा सा यहाँ पर जो हमारा स्मोक है उसको भी लाते हैं, उसको यूज करते हैं।
ये हमारा स्मोक है, तो पहले हम अपने स्मोक को भी देख लेते हैं कहाँ से हमें इसको यूज करना है। ये बेहतर है। तो चूंकि अब ये यहाँ से थोड़ा ब्लैक दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार पहले मैं इसका साइज बड़ा कर लेता हूँ। तो हम इसका मोड करेंगे चेंज यहाँ से स्क्रीन। अब बेहतर है। तो इस पर भी हम उसी तरह से लेयर मास्क यूज करेंगे, जो ये एरिया हमारा दिख रहा है उसको इरेज करने के लिए साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो इसकी ओपेसिटी हम कम करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको फायर के नीचे रखते हैं यहाँ पर, और इसकी ओपेसिटी कर देते हैं हम लगभग 30% देखते हैं। ज्यादा है तो 20। थोड़ा बेहतर है। और इसका साइज हम थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ा देते हैं, ताकि ये थोड़ा और बाहर की तरफ दिखाई दे जाता हो। अभी भी मुझे थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी ज्यादा लग रही है, थोड़ा साइज कम। अब बेहतर है, लेकिन यहाँ पर जैसे हमारी वीडियो यहाँ तक पहुंचेगी, जो इस चार्जेस है स्पार्क, वो नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि हमारी ये लेयर यहाँ पर ही खत्म हो रही है और इसका ड्यूरेशन इतना ही है, हम बढ़ा नहीं सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस लेयर की हम एक और डुप्लीकेट लेंगे, कंट्रोल जे, इस लेयर की एक और डुप्लीकेट लेयर यहाँ पर आ गई है। तो इसको हम यहाँ तक रखेंगे जहाँ तक हमारी बाकी लेयर्स है, और जो इसका ये एरिया है उसको कर देंगे हम डिलीट यहाँ तक। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने किसी भी इमेज को सिनेमाग्राफिक लुक दे सकते हैं। ये देखिए, तो मैं अपनी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। जो हमारी दूसरी वीडियो है उसके बारे में मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, उसको ओपन कर लेता हूँ मैं एक बार। तो इसमें भी मैंने वही तीनों फाइलें यूज़ की है जो उस वीडियो में की थी। तो इसमें से भी कुछ फाइल्स जो यहाँ पर ऑलरेडी थी स्टिल, उनको मैंने उसी तरह से इरेज किया और इन तीनों फाइलों को उसी तरह से यूज़ किया, और जहाँ पर लेयर मास्क की ज़रूरत थी वो वहाँ पर यूज़ की है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो हमारी फायर थी वो हमारी इमेज के हिसाब से एडजस्ट नहीं हो रही, तो उनको मैंने किस तरह से सेट किया, अपनी एक फायर को सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी प्रेस किया, जैसे ये इसको रहने देते हैं, इसको रखते हैं कंट्रोल टी। तो जो हमारी ये यहाँ पर लकड़ी है उस पर किस तरह से मैंने इसको सेट किया, तो आप उसको किस तरह से सेट कर सकते हो वो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। कंट्रोल टी प्रेस कीजिए और यहाँ से आप रैप पर क्लिक कर दीजिए, और अपनी फायर को आप जिस तरह से एडजस्ट करना चाहे वहाँ पर उस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से अपनी फायर को उसके ऊपर एडजस्ट किया। तो इस तरह से आप जहाँ पर भी अपनी फायर को एडजस्ट करना चाहे वहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इफेक्ट भी हमने उसी तरह से ही तैयार किया है। तो दोनों फाइलों को
मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं अपनी वीडियो को हम रेंडर किस तरह से करेंगे। तो हम यहाँ पर जाएंगे और रेंडर वीडियो उस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप अपनी फाइल को जो नाम देना चाहे वो नाम दे सकते हैं। यहाँ से आप जो फोल्डर चूज़ करना चाहे, जहाँ पर आप अपनी फाइल को रखना चाहते हैं वहाँ पर आप उसको लोकेशन दे दीजिए। बाकी आप यहाँ से जो प्रीसेट है उसको आप हाई क्वालिटी रखिए, और यहाँ पर आपकी फ़ाइल का साइज़ होगा जो कि आप वहाँ से ही पहले से ही एडजस्ट कर सकते हैं, और आपको कुछ भी इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप रेंडर पर क्लिक कर दीजिए। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगी, तो तब तक के लिए मैं अपनी वीडियो को स्किप कर देता हूँ। तो मैंने अपनी वीडियो को लोकेशन दी थी डेस्कटॉप पर, तो देखते हैं वो वहाँ पर, ये हमारी फाइल है, तो इसको प्ले करके देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।